हेलो एवरीवन, आई एम विशाल। वेलकम टू माय रेड गुरुकुल चैनल। सो आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में सम इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट जितने भी हैं, जो कि मोस्ट कॉमन है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन या वगैरह वाइवा वगैरह में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सरे। एक्सरे का जो कि पहले ही वीडियो में आप लोग को बताए हुए थे हम, विलियम डब्ल्यू सी रोंजन जो कि एक्सरे का इन्वेंशन किए थे। ओके, डब्ल्यू सी विलियम रोंजन पूरा नाम है, 1895 में डिस्कवर किए थे इनको। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डब्ल्यू सी रोंजन भी बोलते हैं। सेकंड है हमारा कंप्यूटर टोमोग्राफी, जो कि हम लोग 3D डायमेंशनल इमेजिंग में यूज करते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CT scan हम लोग बोलते हैं। उसको हमारा इन्वेंशन किया था सर गॉडफ्रे हाउसफील्ड इन 1972 में। देन नेक्स्ट थर्ड है हमारा मेडिकल अल्ट्रासाउंड, जो हमारा अल्ट्रासाउंड इमेजिंग यूज होता है, उन्होंने हमारा डिस्कवर किया था जॉन वाइल्ड ने। और जो ऑब्स्ट्रक्टिव अल्ट्रासाउंड होता है वो हमारा लैंडोनाल्ड ने किया था डिस्कवर। एंड अनदर फोर्थ मेडिकल MRI, जो कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोला जाता है, उसका फुल फॉर्म है MRI का, जो कि पॉल लोटरबर्ग एंड मेंसफील्ड ने डिस्कवर किया था। एंड अनदर प्रिंसिपल ऑफ NMR, जो NMR का प्रिंसिपल जो दिया था, न्यूक्लियर मैग्नेटिक इमेजिंग का प्रिंसिपल जिसने ने दिया था, फेलिक्स ब्लोच एंड प्योरसेल ने इनको प्रिंसिपल दिया था हमारा NMR का, न्यूक्लियर मैग्नेटिक इमेजिंग। एंड देन अनदर इज रेडियोएक्टिव डिस्कवर्ड बाय बेक्यूरेल, जो कि रेडियोएक्टिविटी का डिस्कवर्ड किया था बाय बेक्यूरेल इन 1896 में। एंड देन अनदर इज थेरेप्यूटिक यूज ऑफ एक्सरे, जो कि हमारा रेडियोलॉजी का सेकेंड टाइप था, पहला डायग्नोस्टिक और दूसरा थेरेप्यूटिक। थेरेप्यूटिक यूज ऑफ एक्सरे, थेरेप्यूटिक यूज ऑफ एक्सरे इन 1903 to 1903 स्टार्ट हो गया था। थेरेप्यूटिक जो कि हमारा एक्सरे था, वो थेरेप्यूटिकली यूज होना शुरू हो गया था। अनदर लास्ट जो कि हमारा एक जो अल्ट्रासाउंड का ही पार्ट है, जो हमारा डॉपलर, जिसको कॉलर डॉपलर हम लोग जानते हैं, डॉपलर इन्होंने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था बाय क्रिश्चियन डॉपलर इन 1843 में। थैंक यू, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।